हेलो दोस्तों, आज हम वेन डायग्राम वेन आरेख पर आधारित सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं और 70% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने परसेंट व्यक्ति दोनों पीते हैं? तो जब 50% चाय है ना और 70% कॉफ़ी पीते हैं ना, तो दोनों पीने वाले कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 120। ठीक है ना। अब 120 में 120 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 20 है ना। तो ये जो 20% है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है 100 में। 100% में ये जो 20% है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो 20% है वो दोनों पीते होंगे। तो ये इसका ट्रिक है यार, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे हम। जब भी 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 70% कॉफ़ी पीते हैं, तो दोनों पीने वाले इन दोनों को जोड़ो और जो जोड़ा है उसमें से 100 घटाना है। 120 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20%। तो 20% लोग जो है वो दोनों पीते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं और 40% व्यक्ति दोनों पीते हैं। ठीक है ना। तो कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत कितना है? देखो, वेन डायग्राम बनाते हैं हम। ये चाय का, ये कॉफ़ी का, और ये जो ये वाला इतना सा है ना, ये इतना सा, ये दोनों के बीच में आ रहा है। ये चाय वाले का पोर्शन भी आ रहा है और कॉफ़ी का भी आ रहा है, मतलब ये जो है वो दोनों का रहेगा हमेशा, है ना। तो देखो दोनों का है, 40% व्यक्ति दोनों पीते, तो 40% यहाँ लिख दो कि 40 दोनों पीते। ठीक है। अब उसमें से भी 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, तो दोनों 40% पीते और दोनों सिर्फ चाय कितने पीते हैं? 50%। ठीक है। तो 50 में से 40 यहाँ आ गया, तो बचा कितना इधर? 10। अरे देखो ना, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, तो चाय कैसे निकली? देखो, 10 चाय ये और ये 40 चाय, मतलब 40 और 10 चाय, हो गया ना 50 चाय। ठीक है। अब देखो, 45% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, तो समझना 45% व्यक्ति अगर कॉफ़ी पीते हैं तो 40% तो यहाँ आ गए हमारे व्यक्ति, तो बचे कितने और? 5% यहाँ आएंगे ना, जो केवल कॉफ़ी पियेंगे। देखो ये, देखो यार, ये जो पोर्शन बना ना, ये पाँच वाला, सिर्फ ये पाँच का जो जितना, इससे इधर 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 वाला ये पाँच और इससे इधर इधर वाला ये, ये केवल कॉफ़ी है ना। इधर वाला केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं और इधर केवल चाय पीने वाले हैं। ठीक है ना। दोनों पीने वाले तो 40% है, आ रहा है समझ में? मतलब 10 और 40, 50 और 5, 55, मतलब 55% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो पीते हैं। देखो, 10% चाय पीते हैं, 5% केवल कॉफ़ी पीते हैं और 40% लोग दोनों पीते हैं, मतलब टोटल 55% लोग 100 में से कुछ ना कुछ पीते हैं। तो बाकी के कितने बचे? 45% लोग, जो कि कुछ भी नहीं पीते। ठीक है। तो कुछ भी ना पीने वालों का परसेंट पूछा था, तो 45% ये होगा आपका आंसर। और अगर ये पूछता कि कुछ पीने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो क्या आता हमारा आंसर? 55%। ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर 45%। 42% व्यक्ति क्रिकेट और 47% व्यक्ति हॉकी खेलते हैं, यदि 15% दोनों खेल खेलते हो, यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 7800 है, तो कुल कितने खिलाड़ी थे? देखो यार समझना, दो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। ये क्रिकेट का है और ये हॉकी का है ना, ये सी से क्रिकेट, एच से हॉकी। ठीक है। 15% दोनों खेलते हैं, तो ठीक है 15% दोनों खेलते हैं। ठीक है। अब 42% क्रिकेट खेलते हैं, तो 42 में से 15 तो यहाँ आ गए, तो बचे कितने? 27% इधर, आ रहा है समझ में? अब देखो, 47% हॉकी खेलते हैं, तो 47 में से 15 तो यहाँ आ गया, मतलब कितना बचा? 32% हॉकी खेलते हैं। इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा? 74% है ना, क्योंकि 5, 7, 5, 12, 2, 14, ठीक है 74% लोग आएंगे जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। ठीक है। तो 100 में से 74 लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो कितने बचे? 26% लोग जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं। ठीक है। तो कुछ भी नहीं खेलने वाला कितने हैं? 7800। तो 7800 किसका मान हो गया? 26% का। तो कुल कितने खिलाड़ी थे? तो 100% निकाल लो। ठीक है। 13 × 26, 13 × 78 है ना, 2 से कट गया ये 600 300 बार, तो 300 का गुणा 100 में करोगे तो 30,000। ठीक है ना। 30,000 खिलाड़ी थे उसमें। ठीक है ना। 30,000 होगा आपका आंसर। 80% व्यक्ति चाय और 60% व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं, यदि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले जो कर्मचारी वो 160 है, तो देखो दोनों निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, 60 और 80 कितने हो गए? 140। तो 140 में जो 140 में मैंने बताया था ना, 140 में क्या 40 एक्स्ट्रा है, 100 से ज़्यादा है, तो 40% लोग जो हैं हमारे वो कुछ ना कुछ तो पीते हैं, मतलब दोनों पीते हैं। ठीक है ना।
तो दोनों पीने वाले यहाँ कितने, 160 है, तो 160 हो गया ना 40 का मान, तो 100% कितना, क्योंकि कुल कर्मचारी पूछा है, तो देखो 0 0 कट गया और 4 से 16 कटेगा 4 बार, मतलब 400 कर्मचारी उसमें टोटल है, ठीक है ना। ऐसा ही देखो पांचवा क्वेश्चन, इजी है यार, बहुत इजी है ये। देखो एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस में ये जो डाटा डाटा होता है ना एक्स्ट्रा, इनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका यूज़ करते ही नहीं हम, ठीक है ना। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, ठीक है, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है, या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, आ रहा है ना समझ में, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो दोनों खेल खेलने का क्या बताया था यार मैंने, कि देखो 75% लड़के हॉकी प्लस 45% फुटबॉल, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 120%। तो 120 में कितना एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है ना, तो 20% लोग तो कुछ कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं, मतलब दोनों खेल खेलने वाले कितने आ गए, 20%। तो इस 600 का तो यूज़ ही नहीं करा हमने, आ रहा है समझ में, ये डेटा खाली कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42% विद्यार्थी जो है वो गणित में, 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण फेल हुए, ठीक है ना। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तथा 46 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है ना। देखो समझना यार, फेल का डायग्राम निकाल रहे हैं हम, समझना। एक तो है मैथ्स, एक है इंग्लिश, ठीक है ना। देखो जो कॉमन है वो पहले लिखते हैं, 17% दोनों में फेल हुए, तो ठीक है, ये फेल का बॉक्स है ना पूरा, फेल के डायग्राम निकाल रहे हम, ठीक है। अब देखना मैथ्स में कितने, 42% फेल हुए, तो 42 में से 17 तो यहाँ आ गया, तो बचा कितना, 25। 25 कहाँ से आया, ये 42 गणित में जो फेल हुए ना उनमें से 17 तो पहले ही हो गए दोनों में, है ना, तो वो कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है ना। तो 42 - 17 ये आ गया 25। अब देखो 52 - 17 कितना बचा, 35, ठीक है ना। मतलब ये जो है ना टोटल ये फेल हुए हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल इन तीनों को जोड़ोगे ना तो 25 और 35 60 और 17 77, ठीक है ना। तो 77% जो है वो फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए, 23%। 100% में से 77% लोग जो है वो फेल हुए, तो 23% पास हुए, और वो बोल रहा है कि दोनों विषयों में कुल कितने पास हुए, 46, तो 46 हो गया 23 का मान, तो कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 100% थे, ठीक है। 23 × 46 मतलब कुल 200 विद्यार्थी थे, ठीक है ना, आ गया समझ में। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 55% व्यक्ति जूस पीते हैं। अब देखना 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20% कॉफ़ी और जूस दोनों पीते हैं, और 20% जूस और चाय दोनों पीते हैं। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं, तो कितने परसेंट कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये MPPSC में बहुत बार आते हैं, ठीक है ना, और SSC में भी इन क्वेश्चनों का बहुत बार लगातार आना, इनका सिलसिला चलता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सारी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि इनका जो लेवल है वो कोई खास नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, देखो तीन है ना यार यहाँ पे, एक तो चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले, जूस पीने वाले, ये एक, दो और तीन, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है देखो इसमें भी सबसे पहले है ना कॉमन देखते हैं। देखो यार ये बोल रहा है यदि 5% तीनों पसंद करते हैं, तो तीनों का कॉमन ब्रेक जो गोला है वो कौन सा है, देखो यार ये 5, ये देखो ये 5% इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। अब समझते जाना अच्छे से, 40% सिर्फ चाय पीते हैं, देखो ये चाय का मान लो, ये कॉफ़ी का मान लो, है ना, और ये जूस मान लो कि ये जूस का बॉक्स है, ठीक है ना, सर्कल जूस का, ठीक है। अब देखना वो पहली वाली लाइन छोड़ो, इसमें देखो 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 15% चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, तो देखो 5% तो आ गए 15 में से, 10 कहाँ लिखूँगा मैं, न यहाँ लिखूँगा न यहाँ लिखूँगा, देखो 10, ये देखो तो 10, देखो 5 तो हो गए ना, अरे 15% कहाँ बोल रहा है, 15% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो 15% तो 5 तो पहले लिख दिया हमने, अब बचे कितने, 10 और, तो 10 को यहाँ लिखूंगा मैं, तो 10 और 5 हो गए ना 15, तो 15% जो है वो चाय भी पीते हैं, चाय में भी आ रहा है देखो, और कॉफ़ी में भी आ रहा है, आ रहा है समझ में। अब देखो 20% कॉफ़ी और जूस पीते हैं, तो कॉफ़ी और जूस 20%, तो देखो इन दोनों बॉक्स में ये 5 तो आ गया पहले ही, तो 20% टोटल है, तो 5 तो पहले ही हो गए, तो बचे कितने और, 15, तो देखो ये 15 और 5 20 टोटल। अब ये 15 और 5 दोनों कॉफ़ी में भी आ रहे हैं, और 15 और 5 जूस में भी आ रहे हैं, ठीक है।
अब 20% जूस और चाय पीते हैं, तो देखो 20% जूस और चाय पीते हैं, तो देखो ये जूस वाला बॉक्स है, ये चाय वाला बॉक्स है, मतलब यहाँ कितना लिखूंगा मैं 15, क्योंकि टोटल 20 पीते हैं और 5 पहले ही था, तो 15 यहाँ लिखूंगा, तो 15 और 5 हो गए ना 20, ठीक है। अब ये बोल रहा है 40% व्यक्ति चाय पीते हैं, तो देखो 40% व्यक्ति चाय होना चाहिए, तो 15 और 5 20 और 10 30, 30 ही हुए, मतलब 10 और यहाँ आएंगे, मतलब केवल चाय कितने पीते हैं 10%, आ रहा है समझ में। अब देखो अब 50% कॉफ़ी पीते हैं ना, तो 50% कॉफ़ी वाले होना चाहिए, तो देखो 15 और 5 20 और 10 30, बचा कितना 20 और, तभी जाके तो 50% होगा, ठीक है। अब 55% जूस पीते हैं, तो 55% जूस होना चाहिए, तो देखो 15 और 15 30 और 5 35, 15 और 15 30 और 5 35, तो 35 में कितना जोड़ू कि 55 आ जाए 20, आ रहा है समझ में। तो क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, ये सब जो है ना ये कुछ ना कुछ पीते हैं, आ रहा है समझ में। तो कुछ भी ना पीने वाले निकाल लो, देखो ये 20 और 20 40 और 10 50, ठीक है, और 15 और 15 30, मतलब 30 ये और 50 वो 80, 10 90, 5 95, आ रहा है, मतलब 95% लोग जो हैं इन सबको जोड़ लिया है मैंने, ठीक है ना, 95% जो लोग हैं 95% वो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो सीधी सी बात है कि 5% लोग कुछ भी नहीं पीते हैं, ठीक है, तो 5% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो और कोई आपके डाउट्स हों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कल उनकी एक वीडियो बनेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लें, मैं उनकी ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, तो पोस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, थैंक यू।